पता नहीं दर्शन सिंह क्यों पागल नहीं हो गया। बाप घर पे मर गया और मां उस बचे खुचे गुरुद्वारे में खो गई और शाहनी ने एक साथ दो बच्चे जन्म दिए, दो बेटे जुड़वा। उसे समझ नहीं आता था कि वह हंसे या रोए, इस हाथ ले इस हाथ दे का सौदा किया था किस्मत ने। सुनते थे आजादी आ चुकी है या आ रही है, टोडर मलपुर कब पहुंचेगी पता नहीं। हिंदू सिख सब छुपते छुपते गुरुद्वारे में जमा हो रहे थे। शाहनी दिन रात दर्द से कराहती रहती थी। आखिरी दिन थे जचगी के और पहली पहली औलाद। दर्शन सिंह रोज नई नई खबरें लाता था, फसादात की बाप ढाड़स देता, कुछ नहीं होगा बेटा कुछ नहीं होगा, अभी तक किसी हिंदू सिख के मकान पर हमला हुआ है क्या? गुरुद्वारे पर तो हुआ है ना पापा जी, दो बार आग लग चुकी है और तुम लोग वहीं जाकर जमा होना चाहते हो। इस बात पर दर्शन सिंह चुप हो जाता, पर जिसे देखो वही घर छोड़कर गुरुद्वारे में जमा हो रहा था। एक जगह इकट्ठा होने से बड़ा हौसला होता है पापा जी, अपनी गली में तो अब कोई हिंदू सिख बचा नहीं है, बस हम ही हैं अकेले। 10-15 दिन पहले की बात है, रात के वक्त पापा जी के गिरने की आवाज हुई आंगन में और सब उठ गए। दूर गुरुद्वारे की तरफ से बोले सो निहाल के नारे सुनाई दे रहे थे। पापा जी की उसी में आंख खुल गई थी और वह छत पर देखने चले गए थे। सीढ़ियां उतरते पांव फिसला और बस आंगन में खड़ी कुदाल सिर में घुस गई। किसी तरह पापा जी के संस्कार पूरे किए और कुछ मालियत थी एक तकिए में भरी और बाकी तीनों ने गुरुद्वारे में जाकर पनाह ली। गुरुद्वारे में खौफजदा लोगों की कमी नहीं थी, इसलिए हौसला रहता था, अब उसे डर नहीं लगता था। दर्शन सिंह कहता, हम अकेले थोड़े ही हैं, और कोई नहीं तो वाहेगुरु के पास तो हैं। नौजवान सेवादारों का जत्था दिन भर काम में जुटा रहता। लोगों ने अपने अपने घरों से जितना भी आटा दाल घी था उठवा लिया था। लंगर दिन रात चलता था, मगर कब तक? ये सवाल सबके दिल में था। लोग उम्मीद करते थे कि सरदार कोई कुमक भेजेगी, सरकार कोई कुमक भेजेगी। कौन सी सरकार, एक पूछता, अंग्रेज तो चले गए, यहां पाकिस्तान तो बन गया है लेकिन पाकिस्तान की सरकार नहीं बनी अभी, और सुना है मिलिट्री को उमड़ी है हर तरफ और अपनी हिफाजत में शरणार्थियों के काफले बॉर्डर पार करा देती है। शरणार्थी, ये क्या होता है? और रिफ्यूजी, यार ये लफ्ज पहले तो कभी नहीं सुने थे। 2-3 परिवारों का एक जत्था जिनसे दबाव बर्दाश्त नहीं हुआ निकल पड़ा, हम तो चलते हैं, स्टेशन पर सुना है ट्रेनें चल रही हैं, यहां भी कब तक बैठे रहेंगे? हिम्मत तो करनी पड़ेगी भाई, वह गुरु मोटों पर बिठाकर तो नहीं ले जाएगा ना। एक और ने गुरबानी का हवाला दिया, नानक नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार। कुछ लोग निकल जाते तो खला का एक बुलबुला सा बन जाता माहौल में, और फिर कोई और आ जाता तो बाहर की खबरों से बुलबुला फूट जाता। स्टेशन पर तो बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ है जी, और लोग भूख से भी मर रहे हैं और खा खा के भी बीमारी फैलती जा रही है। 5 दिन पहले एक ट्रेन गुजरी थी यहां से, तिल रखने की जगह नहीं थी, लोग छतों पर लदे हुए थे। सुबह संक्रांत की थी, गुरुद्वारे में दिन रात पाठ चलता रहता था। बड़ी शुभ घड़ी में शानी ने अपने जुड़वा बेटों को जन्म दिया। एक तो बहुत ही कमजोर पैदा हुआ, बचने की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन शानी ने नाभि के जोर से बांधे रखा उसे। उसी रात किसी ने कह दिया, स्पेशल ट्रेन आई है रिफ्यूजियों को लेने, निकल चलो। एक बड़ा सा हुजूम रवाना हो गया गुरुद्वारे से, दर्शन सिंह भी। शानी कमजोर थी लेकिन बेटों के सहारे चलने को तैयार हो गई। मां ने हिलने से इनकार कर दिया, मैं आ जाऊंगी बेटा, अगले किसी काफिले के साथ आ जाऊंगी, तू बहू और मेरे पोतों को संभाल के निकल जा। दर्शन सिंह ने बहुत जिद की तो ग्रंथी ने समझाया, सेवादारों ने हिम्मत दी, निकल जाओ सरदार जी, एक एक करके सब बॉर्डर पार पहुंच जाएंगे, बीजी हमारे साथ आ जाएगी। दर्शन सिंह निकल पड़ा सबके साथ, ढक्कन वाली एक बैंत की टोकरी में डाल के बच्चों को यूं सर पे उठा लिया जैसे परिवार का खोंचा लेकर निकला हो। स्टेशन पर गाड़ी थी लेकिन गाड़ी में जगह नहीं थी, छत पर लोग घास की तरह उगे हुए थे। बेचारी नई नई नहीफो नजार माँ और नौजायदा बच्चों को देखकर लोगों ने छत पर बिठा लिया और जगह दे दी। करीब 10 घंटे बाद गाड़ी में जरा सी हरकत हुई। शाम बड़ी सुर्ख थी, लहू लुहान, तपा हुआ तमतमाया हुआ चेहरा,
शाहनी की छातियाँ निचुड़ के छिलका हो गईं। एक बच्चे को रखती तो दूसरा उठा लेती। मैले कुचैले कपड़ों में लिपटे दो बच्चों की पोटलियाँ लगता था किसी कूड़े के ढेर से उठाकर लाई गई। कुछ घंटों बाद जब गाड़ी रात में दाखिल हुई तो दर्शन सिंह ने देखा कि एक बच्चे के हाथ पांव तो हिलते दिखे थे, कभी कभी रोने की आवाज़ भी होती थी, लेकिन दूसरा बिल्कुल साकित था। पोटली में हाथ डालकर देखा तो कप का ठंडा हो चुका था। दर्शन सिंह जो फूट फूट के रोया तो आसपास के लोगों को भी मालूम हो गया। सबने चाहा कि शानी से उस बच्चे को ले लें, लेकिन वो तो पहले ही पथरा चुकी थी, टोकरी को झप्पा मार के बैठ गई। नहीं, भाई के बगैर दूसरा दूध नहीं पीता। बहुत कोशिश के बावजूद शाहनी ने टोकरी नहीं छोड़ी। ट्रेन 10 बार रुकी, 10 बार चली। लोग अंधेरे में अंदाजे ही लगाते रहते। बस जी खैराबाद निकल गया, ये तो गुजरांवाला है जी। बस एक घंटा और लाहौर आया कि समझो पहुंच गए हिंदुस्तान। जोश में लोग नारे भी लगाने लगे थे, हर हर महादेव, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। गाड़ी एक पुल पर चढ़ी तो लहर सी दौड़ गई। रावी आ गया जी, रावी, रावी है, लाहौर आ गया। इस शोर में किसी ने दर्शन सिंह के कान में फुसफुसा कर कहा, सरदार जी बच्चे को यहीं फेंक दो रावी में, उसका कल्याण हो जाएगा, उस पार ले जाके क्या करोगे। दर्शन सिंह ने धीरे से टोकरी दूर खिसका ली और फिर यकलख्ती पोटली उठाई और वाहेगुरु कहकर रावी में फेंक दी। अंधेरे में हल्की सी एक आवाज सुनाई दी किसी बच्चे की। दर्शन सिंह ने घबरा कर देखा शानी की तरफ। मुर्दा बच्चा शानी की छाती से लिपटा हुआ था। फिर से एक शोर का बगुला उठा, वागा वागा हिंदुस्तान जिंदाबाद।